अब मौला हसन इस सूरे की तफसीर बनकर आए थे लगभग 12 बरस के बाद, जब इस्लाम 5 साल का था जब विलादत शहजादी कौनैन है, 13 बरस मक्के की जिंदगी, जब 8 बरस की बीबी अब मदीने में आई, 3 हिजरी भी अगर आप लेते तो 13 बरस, लगभग 13 बरस, 11 बरस जो है कि बाद ये सूरह की तफसीर कब आई, 15 रमजान की सुबह थी, 14 रमजान गुजरने के बाद 15 की सुबह थी, फजर से पहले मुसलमानों ने मदीने मुनव्वरा का बड़ा अच्छा पीरियड है, जंग बदर हो चुके, ये ओहद जंग बदर, हाँ सॉरी, जिस साल जंग बदर हुई उसी साल रमजान का रोजे वाजिब हुए और उसी साल मौला हसन की विलादत है। कहते हैं कि नए लोग सहरी कर रहे थे, देखा पूरे मदीने मुनव्वरा रोशन हो गया, ब्राइट, स्पार्क नहीं था, फिर बोल रहा स्पार्क नहीं था, रोशनी आके चली नहीं गई बल्कि रोशनी ठहरी हुई थी, स्पार्क अलग चीज है, रोशनी का ठहरना अलग। ये सारी मासूमीन की विलादत के वक्त का है, शहजादी कौनैन के भी वाकयात में आपको मिलेंगे, अल्लाह के रसूल मौला के सबके वाकयात में मिलेंगे। तो पूरा मदीना इस्लाम आ गया था, पूरा मदीना रोशन है, मुसलमान घबरा गया कि ये एक दूसरे को देख सक रहे, उस जमाने में लाइट तसव्वुर में नहीं थी, चिराग की जिंदगी है, बाहर अंधेरा, 14 रमजान की रात गुजर रही, सारे मुसलमान दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के पास आए मस्जिद में, कहा या रसूल अल्लाह क्या हो गया, कयामत आ गई, कि पूरा मदीना रोशनी, रोशनी कहां से आ रही, तो कहा ये रोशनी मेरी बेटी फातिमा अली के घर से निकल, पूछा खैरियत तो है, मजलूम बीबी के घर से ऐसा नूर निकल रहा था, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, नूर निकल रहा था और पूरा फैल रहा था, तो कहा अल्लाह ने आज मुझे बेटा दिया है, हसन दिया, सूरह कौसर की तफसीर बनकर मेरा बेटा आ गया, मेरा वारिस आ गया। अब आप सोचो मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई, सारे मुसलमान खुश थे कि मौला अल्लाह के रसूल का वारिस आया, मेरा मौला हसन दुनिया में आया, तो मौला हसन की खुशी बहुत बनाई। मौला हसन की विलादत के बाद जब अल्लाह का रसूल आपके पास गए बीबी के घर में, तो बीबी मौला को लेकर आई, मौला को अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली तुमने कोई नाम रखा, कहा आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूँगा, फौरन जिब्राइल आ गए और आके कहा कि अल्लाह ने लौह महफूज पे इस बच्चे का नाम हसन रखा। तो मौला हसन की विलादत, अच्छा मौला हसन के बारे में ये भी बता दूँ कि आपका जो अपर पार्ट था बॉडी का जो सीने से अपर पार्ट था वो बिल्कुल शबीह थे रसूल अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के अपने नाना के शबीह थे, और मौला हुसैन जो लोअर पार्ट था सरकार का बिल्कुल मौला हुसैन का लोअर पार्ट वैसी था, दोनों बच्चे दोनों शहजादे नाना से शबीह थे, एक ये यहाँ से लेके चेहरे तक अल्लाह के रसूल का जैसा बिल्ड थी बिल्कुल वैसी थी, आपके शोल्डर्स आपका चेहरा और लोअर पार्ट मेरे मौला हुसैन का, ये मौला हसन। तो मौला हसन को गोद में लिया, अपनी जबान दी मुँह में और लौब दहन से आपका ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। बस मैं और कई वाक़यात है, वाक़यात को छोड़ रहा इसलिए कि 50-55 मिनट की मजलिस है और इसमें मैं विलादत के ज़्यादा वाक़यात नहीं पढ़ना चाहता, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मौला हसन की ज़िंदगी, ह्यूमन एक्सेलेंस इन द लाइट ऑफ सीरतुल मासूमीन, उसी टॉपिक पर चल रहा, सूरह कौसर की तफसीर बनकर आने वाला सिफ्त अकबर मौला हसन का। दोस्तों मौला हसन की तारीख में अगर आप देखें 9 बेटियां बताई गई और 15 बेटे बताए गए, ठीक है तारीख में जो हिस्ट्री है वो बोल रहा, तारीख में जो इवन आप गूगल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, तारीख हयातुल खुलूब में भी अल्लाह मजलिसी लिखते हैं, तो बहरहाल 9 बेटियां 15 बेटे थे। आपकी नस्ल से चले, इसलिए कि इमामत मौला हुसैन की नस्ल से चली, चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, और मौला हसन के नस्ल से आपकी औलाद ने बहुत सेक्रीफाइस दिया, बहुत सेक्रीफाइस इस्लाम के लिए, इतना जनाब हसन मुसन्ना का है। मौला हसन की औलाद में कई आपको मिलेंगे कि जिनकी नसन ग्रैंडसन जिन्होंने जालिमीन और काफिरीन के मुकाबले में खुरूज किया इमाम की मौजूदगी में, इसने इमाम को लेकर उस जमाने के इमाम को और बड़ा इस्लाम का प्रोटेक्शन किया। मौला हसन की ज़िंदगी, मौला हसन का
किरदार बहुत कम पढ़ा जाता है। एक एग्जाम्पल है, वैसे हर इमाम की लाइफ हमारे लिए एग्जाम्पल है, हुज्जत है, लेकिन हम सब के लिए इमाम की जमाने में कई चीजें थी। हिल्म मौला हसन, सब्र मौला हसन, इल्म सौरभ मौला हसन, सखावत है मौला हसन, इबादत है मौला हसन। अगर मौला की 47 इयर्स की लाइफ को डिवाइड करें तो मौला की शुजाअत भी है, मौला की इबादत भी है, मौला का इल्म भी है, मौला का हिल्म भी है, मौला का सखावत भी है, मौला का इबादत भी है। कसरत से इबादत करने वाले का नाम हसन है। हर चीज अल्लाह ने अता की, लेकिन उसके बाद और सब्र इमाम हसन अपने कमाल तक गया, हिल्म इमाम हसन अपने कमाल तक गया। ऐसा हिल्म किसी का नहीं था कि जालिमीन सामने से आके मौला को, जालिमीन इतना मौला को अजियत देते मुंह पे, मदीने मुनवरा मेरे मौला हसन का शहर, वहां पे अमीर शाम ने एक ऐसे काफिर को भेजा जो मौला हसन की शान में, मौला हसन के सामने मौला की शान में गुस्ताखी कर रहा। और हिल्म हसन का यह आलम है कि आप बता रहे कि यही बोल रहे, शायद तू मुझे नहीं जानता, अगर तू परेशान है तो मैं तेरी परेशानी दूर कर दूँ, अगर कोई हाजत है तो मैं हाजत पूरा कर दूँ, अगर घर नहीं है तो घर दे दो, लिबास नहीं है तो लिबास दे दो, भूखा है तो खाना खिला दो। उसने किरदार हसन को देख कर सर को झुका के कहा, क्या सुना था और क्या पाया। इस्लाम को कबूल करता है, इमाम का चाहने वाला बन के जाता है, आया था दुश्मन बन के गया। ये ये चीज को हम अपनी लाइफ में लेके आए, अपने किरदार को, अपने किरदार को मौला हसन की सीरत पे देखो कि मौला हसन किस तरह बात कर रहा। हम अपने रिश्तेदार से नहीं करते, सगे भाई से नहीं करते, अगर सगा भाई बात करने में, सलाम करने में देरी कर दे, हम उससे बात करना छोड़ देते। कितने आज खानदान टूट गए, आप समझ रहे मेरी बात, खद रहम कितनी आसानी से होता। अब मौला हसन का किरदार क्या है, मौला हसन कोई आके गुस्ताखी कर रहा मौला से, मौला उतने ही पेशेंस के साथ, हिल्म के साथ उससे बात कर। गुस्ताखी तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अजनबी मौला का शहर, लेकिन मौला सिर्फ अपने किरदार से अपनी जिंदगी को गुजार रहे, सामने वाले को अपने किरदार से इंप्रेस करके इस्लाम कबूल कर रहे। और आज हमारा क्या हाल है, so sad to say this, कितने खानदान टूट गया। अगर आज जो तुमको रिस्क का प्रॉब्लम है, उसकी वजह यह भी है कि जो तुम खतरे रहम कर रहे, जो तुम रिश्तेदारों से बात नहीं करते।